फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके भी मोबाइल में इस तरह की वाइट स्क्रीन प्रॉब्लम देखने को मिले। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मेरे मोबाइल में यहाँ पर वाइट स्क्रीन प्रॉब्लम शो हो रही है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप भी फेस कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो सारा प्रोसेस मैं आपको कंटिन्यू लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। बहुत ही आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, बट मैं इसका सॉल्यूशन खोज लिया हूँ। बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको वीडियो को फुली वॉच करना, वीडियो जरा सा भी स्किप मत कीजिए, ताकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप नॉर्मली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना, लाइक करने के बाद अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपको अपनी सेटिंग पर क्लिक करना। जैसे आप अपनी सेटिंग पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपने मोबाइल को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, या तो फिर यहाँ पर आपको अबाउट डिवाइस का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको चेक कर लेना होगा आपका मोबाइल लेटेस्ट वर्जन में अपडेट है या नहीं। अगर नहीं अपडेट है तो यहाँ से आपको अपडेट कर लेना। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे हो, अप टू डेट देखने को मिल रहा है। यहाँ से आपको अपने मोबाइल को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना, अपडेट कर लेना। यहाँ से आपको बैक कर देना होगा। बैक कर देने के बाद आपको अपने प्ले स्टोर पर क्लिक करना। जैसे आप अपने प्ले स्टोर पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कुछ सर्विसेज को यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना, यानी कि आपको उनको अपडेट रखना होगा, तभी आप अपने मोबाइल को सेफ जोन में रख सकते हो, यानी कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली अपने सर्च बार पर क्लिक करना। जैसे आप सर्च बार पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना होगा एंड्रॉइड सिस्टम वेवव्यू। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे हो, ऊपर यहाँ पर एंड्रॉइड सिस्टम वेवव्यू शो हो रहा है। इस पर आपको क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना। अगर यहां पर आपका इंस्टॉल मांगता है, जैसे मेरा यहां पर इंस्टॉल मांग रहा है, मैं इसे लेटेस्ट वर्जन में यहां से इंस्टॉल कर लेता हूं। इंस्टॉल कर लेने में मैं आपको आगे का प्रोसेस कंटिन्यू बताने वाला हूं। जैसे यहां पर इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल हो जाने पर अब आपको फिर से सर्च बार पे क्लिक करना। जैसे आप सर्च बार पे क्लिक करते हो, क्लिक करने में यहां पर आपको गूगल प्ले सर्विस सर्च करना हो। जैसे यहां पर आप गूगल प्ले सर्विस सर्च करते हो, सर्च करने के बाद यहां से आपको इसको भी यहां से आपको लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल कर लेना। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे हो, यहां पर नीचे आपको करियर सर्विस देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इसको भी अपडेट कर लेना होगा। अपडेट कर लेने से दोस्तों जो ये सर्विसेज होती हैं, इनको अगर आप अपडेट कर लेते हो तो आपका मोबाइल किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं करेगा, यानी कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हो, यहाँ पर ये सारा यहाँ पर दोस्तों ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ से आपको बैक कर देना होगा। बैक कर देना दोस्तों, अब आपको ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। अगर ये प्रॉब्लम अब भी आपकी सॉल्व नहीं होती तो फिर से आपको अपनी सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अपनी सेटिंग पर क्लिक करते हो, क्लिक करने यहाँ पर लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल में थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऐप सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐप सेटिंग पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी ऐप लिस्ट शो हो जाएगी। अगर शो नहीं होती तो यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एंड्रॉइड सिस्टम वेबव्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको दोस्तों इसका स्टोरेज जो है इस पर आप क्लिक करना, स्टोरेज यूजेज इस पर आप क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने यहाँ से आपको इसका डाटा क्लियर कर देना। क्लियर कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक कर देना होगा। बैक कर देने के बाद यहाँ पर आपको फिर से बैक करना होगा। फिर से बैक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा करियर सर्विस या आपको प्ले सर्विस यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। इस पर आप क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको स्टोरेज डाटा पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, यहाँ से इसका भी डाटा यहाँ से आपको क्लियर कर देना होगा। क्लियर कर देना दोस्तों, यहाँ से आपको बैक कर देना होगा। बैक कर देना दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से आपको बैक करना हो, बैक कर देने के बाद बस आपको अपने मोबाइल को यहाँ से ऑफ कर देना होगा। जैसे आप यहाँ से अपने मोबाइल को कुछ समय के लिए यहाँ पर ऑफ करते हो, ऑफ करने के बाद यहाँ से आपको दोबारा यहाँ से ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ये प्रॉब्लम आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी, जैसे मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ बता दिया दोस्तों।